करती प्रभु हर दम, चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का दिन और हमारे जीवन प्रभु हम लोगों को तोहफा के रूप में, प्रभु ने हम लोगों को तोहफा के रूप में दिया है। आइए हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को जांच कर देखें। हम कई बार जो खुद को पसंद है उसके पीछे दौड़ते हैं, अपनी ज़रूरतों के पीछे दौड़ते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं उसके बारे में मनन चिंतन नहीं करते हैं। प्रभु आज हम लोगों को और एक मौका दिया है कि हम प्रभु के पास आएं, पवित्र जीवन का शुरुआत करें। प्रभु का वचन कहता है जो मसीह में एक हो जाता है वो नई सृष्टि बन जाता है। प्रभु आज हम लोगों को बुलाए हैं ताकि हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाएं। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, सांसारिक मोहमाया को छोड़कर स्वर्गिक चीजों के पीछे, स्वर्गिक चीजों की खोज में लगे रहें। आइए हम इस वक्त अपनी कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को एहसास करें, याद करें और उनके लिए प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि हमारा ईश्वर कहता है कि मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु हमारे हर एक अपराधों को क्षमा कर देता है, याद नहीं रखता है। आइए हम अपने गलतियों को, पापों को, कमजोरियों को एहसास करें और पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि इस पवित्र बलिभोज में योग्य रीति से तथा भक्ति भाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद से महिमा का गीत गाएं।
परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो गे ऊपर शांति सुजन पावे परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा तेरी पूजा तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुण गान हो वे सदा तेरा गुण गान हो वे सदा परमेश्वर की महिमा प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी तू बलशाली पिता हमारे यीशु मसीह को सुख ईश्वर के पलक में मन पापर लेते सुन ले विनती हमारी सदा सुन ले विनती हमारी सदा परमेश्वर की महिमा तू ही पावन तू ही प्रभु पिता पावन आत्मा संग समाए तेरी महिमा हो सदा परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में हो वे ऊपर शांति सुजन पावे हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का 25वां इतवार पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 17 से 20 तक। विधर्मी आपस में कहते थे हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू
दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 4 और 3। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है, किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और बारहों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वो मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, विधर्मी धर्मियों का निंदा करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनका अपमान करते हैं और उन्हें प्राण दंड देने का विचार रखते हैं। यह शास्त्रियों द्वारा प्रभु यीशु के अपमान का पूर्वाभास है और इस चीज अभी भी दिखाई देता है। अभी भी समाज में ऐसा होता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं विश्वासियों को कई प्रकार का निंदा अपमान सहना पड़ता है। लोग उन्हें मारते हैं, उनका अपमान करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, और ऐसा भी होता है कि किसी किसी को समाज से निकाल दिया जाता है, अपने घर में भी प्रार्थना करने के लिए मना किया जाता है। आज एक विश्वासी को जीना इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं कि अब बहुत मुश्किल है, और उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 10 में प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो मेरे कारण अपमान सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 11 में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तुम पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाते हैं। और प्रभु आगे कहते हैं, आनंद मनाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य में तुम्हारा पुरस्कार रखा गया है। एक विश्वासी को इस धरती पर जीना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन जब पूरे विश्वास के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीता है तो उसके लिए स्वर्ग राज्य में पुरस्कार रखा गया है, और वो पुरस्कार है अनंत शांति, अनंत सुख, प्रभु का प्यार। एक विश्वासी जब इस सांसारिक जीवन को पार कर अलग जीवन की ओर जाता है, यानी जब मृत्यु हो जाता है,
तो वो प्रभु के साथ एक हो जाता है और स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि याकूब का पत्र से लिया गया है, कि जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और अन्य वासनाओं का दमन नहीं करते, तब तक समाज में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर अशांति बनी रहेगी। और आगे हम लोगों ने सुना, जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, यानी ईर्ष्या जब करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तो वो क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं होता है, हमारी जो लालसा है वो पूरी नहीं होता है, और यही कारण है कि ईर्ष्या होता है, और यही कारण है कि झगड़ा होता है। तो हमारी मांग क्यों पूरी नहीं होता है? हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए, हम जो मांगते हैं, प्रभु से मांगते हैं, वो पूरा क्यों नहीं होता है? हम देखते हैं इसाईस का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया और तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, और यही कारण है कि प्रभु हमारी नहीं सुनता। तो प्रभु हमें कहते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, जो हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में। अक्सर यही होता है कि एक विश्वासी को प्रभु की खोज में लगे रहना चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, तब हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होता है और लड़ाई झगड़ा होता है। और आगे हम लोगों ने सुना कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु की आज्ञा क्या है? हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, पहली आज्ञा यह है, सुनो, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्यार करो। यानी हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है, ना कि अपने मम्मी पापा को, ना कि अपनी भाई बहन को, ना कि अपने रिश्तेदार को। जब हम प्रभु को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देंगे, तो प्रभु हमारी बिगड़ी हुई हालत को ठीक कर देंगे। और जो दूसरी आज्ञा जो प्रभु बताते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यानी जैसा हम अपने साथ व्यवहार करते हैं वैसा पड़ोसी के साथ व्यवहार करना। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो कि मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ चलते समय उनसे कहते हैं कि मैं मनुष्य द्वारा मारा जाऊंगा और 3 दिनों के बाद जी उठूंगा। शिष्यों को समझ में नहीं आता है, वे समझ नहीं पाते कि प्रभु यीशु क्या कहते हैं, और उनके अंदर और कुछ चल रहा है। वे एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। प्रभु यीशु को पता चल जाता है, वो जान जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहते हैं। जब वे कफरनहूम पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं, तो प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं कि रास्ते में क्या हो रहा था, और हमने सुना कि शिष्य चुपचाप रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। फिर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि जो सबसे पहला होना चाहता है उनको सबसे पिछला और सबका सेवक बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि एक जन पढ़ाई कर रहा है तो वो सबसे पिछला बने ताकि वो सबसे पहला होगा, ऐसा नहीं है। किस परिस्थिति के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे, विनम्र बने। जो पिछला रहता है यानी विनम्र बने। और प्रभु यीशु एक बालक को सामने लेकर आते हैं और कहते हैं, इस बालक के सदृश बनो, और वो कहते हैं, इन बालकों में से किसी एक को जो स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और आगे कहते हैं, जो मेरा स्वागत करता है, जिसने मुझे भेजा है उसका स्वागत करता है। प्रभु यीशु उस बालक को शिष्यों के सामने क्यों लाए? प्रभु यीशु उस बालक को शिष्यों के सामने इसलिए लाए कि बच्चे जो होते हैं विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 29 में प्रभु यीशु कहते हैं,
मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। और यही कारण है कि प्रभु येसु उस बालक को उसके सामने रखे। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:4 में प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे जो नम्र है, उनके लिए प्रतिज्ञा देश रखा गया है। और यही कारण है कि प्रभु चाहते हैं कि हम नम्र बने, हम नम्र बने, विनीत बने। नम्र बनना, विनीत बनना यानी छोटा नहीं बनना। कुछ कुछ लोग समझते हैं जो नम्र है, जो विनीत है, उनको समझते हैं ये तो इनको तो कुछ नहीं आता है, ये बेकार है। लेकिन नम्र बनना, विनीत बनना इतना ईजी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। आज प्रभु हमें नम्र बनने के लिए, विनीत बनने के लिए सिखाते हैं। आज के तीनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या मत करो, दूसरों का निंदा मत करो, और नम्र बनो और विनीत बनो। आइए हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान के जरिए प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे, ताकि हम नम्र बने और विनीत बने और प्रभु का एक अच्छा शिष्य बने, दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण बने। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनजन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे और उनमें एकता और शांति बनाए रखे। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक इस वचन का प्रचार प्रसार करें और धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम समस्त विश्व में फैले ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र परम प्रसाद संस्कार के प्रति वे अपनी भक्ति को बरकरार रखें, रविवार और पर्वों के दिनों के यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेते हुए आपके आशीषों और कृपा को पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम अपने उन सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस बदलते जमाने में अपना धर्म और विश्वास को खो दिया है। हे प्रभु, तू इन पर दया कर ताकि आपके द्वारा अविष्ट होकर वे अपने धर्म और विश्वास को पुनः प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, सभी रोगी आपके पवित्र घावों की शक्ति से भले चंगे हो सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपके भरपूर आशीष सभी युवक युवतियों को मिले, जिससे कि वे आपके आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता पा सकें। इसके लिए हम प्रेमी पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सब की प्रार्थनाएं सुन। सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के वृहत परिवार में शामिल हो।
ऐसी कृपा कर अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी प्रजा के ये उपहार दया पूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम।
पूजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, पूजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से पूजते हैं सर्वोच्च गगन, तेरी महिमा गरिमा से पूजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जय का, जय जय का, जय जय का। हो साना हो साना, हो साना हो साना, हो साना हो साना, हो साना हो साना। पावन 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 तेरा नाम, परमेश्वर की जय जय का, जय जय का, जय जय का। हो साना हो साना, हो साना हो साना, हो साना हो साना, हो साना हो साना। पावन 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 तेरा हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनर्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम। हर क्षण में